17 अगस्त 1988 को ये अलमनाक सानहा पेश आया था जब बहावलपुर हादसे में पाकिस्तान की तमाम अस्करी और कौमी क्यादत लुकमा अजल बन गई थी, जिसमें उस वक्त के सदर जनरल जियाउल हक मरहूम भी इंतकाल कर गए थे। आज उसी हवाले से उनके मकबरे पर उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद आ रही है, जो कि गुलदस्ते रख रही है, उनके मकबरे पर फूल निछावर कर रही है। और उसी तरह जो उनके साहिबजादे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं एजाजुल हक साहब, उनकी जानिब से यहाँ पर एक तकरीब का भी अहतमाम किया गया है, जिसमें तूलो अर्ज से जनरल जियाउल हक के चाहने वालों की एक बड़ी तादाद शरीक है। वो उनके हक में ना सिर्फ नारेबाजी कर रही है, बल्कि इस बात का अजम भी जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान को जनरल जियाउल हक के बताए हुए उसूलों और जो पॉलिसीज उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी थी उनके मुताबिक वो आने वाले वक्तों में चला कर दिखाएंगे। साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस वक्त उनकी जो तकरीब है उसमें शिरकत के लिए आए हुए हैं, और हम उनसे भी तासुरात जानेंगे कि जनरल जियाउल हक का दौर कैसा था और क्या उन जैसा दौर वापस पाकिस्तान में आने की जरूरत है। हर साल की तरह 17 अगस्त को जनरल जियाउल हक साहब की बरसी के जेर एहतमाम जारी है, और हम समझते हैं कि इस्लाम में ऐसा लीडर बाद में पैदा होना बहुत मुश्किल है कि जिसकी काविशों से उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिकली पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि हमारे जो मुखालिफ ममालिक हैं उनको जेर करने में उनकी बहुत काविशें रही हैं। इंशाल्लाह उसी बात की वजह से हम अपने कायद के साथ हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके बेटों को उनकी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सदर मोहम्मद जियाउल हक साहब की बरसी में तशरीफ लाए सारे हारूनाबाद से, डिस्ट्रिक्ट भावनगर से। सदर जिया साहब का 11 साल सुनहरी दौर था, उसमें आपने देखा कि हर चीज़ पे कंट्रोल था, जराइम पे काबू था, और जैसे आजकल मशीद की जो पोजीशन है डॉलर को इतना मस्तकम किया हुआ था कि अभी तक उसके बाद ऐसा कंट्रोल नहीं था। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और ऐसे हुक्मरान हमें फिर नसीब करें। हम जियाउल हक साहब की बरसी पे सारे इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद यह है कि उनकी रूह के लिए साले सवाब करना। ये वो हस्ती हैं जिनका दौरे हुकूमत तकरीबन कोई 10-11 साल रहा, 10-11 साल के अरसे में इन्होंने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी है। 2023 है और यहाँ पे जम गफीर जियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इसाल सवाब के लिए उनकी बरसी पर यहाँ पे मौजूद है, और इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौम के दिल में आज भी अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत है और फौज के दिल में आवाम की मोहब्बत है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अज़हर अलवी साहब, जो कि एक सियासी और मजहबी जमात के लीडर हैं, और वो इस वक्त मौजूद हैं जनरल जियाउल हक साहब की बरसी की तकरीब में। उनसे भी हम जनरल जियाउल हक मरहूम के हवाले से तासरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जनरल जियाउल हक का दौर, क्योंकि हमने तो नहीं देखा लेकिन आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में सुना होगा या शायद देखा भी हो, कैसा दौर था उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल जियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो है, उनका दौर जो है वो पाकिस्तान का गोल्डन दौर था, और उनकी जो पॉलिसियाँ थी वो इस्लाम और पाकिस्तान के हक में थी। जितना फ़ायदा उनकी पॉलिसियों से इस्लाम को और पाकिस्तान को हुआ, वो आज तक किसी और की पॉलिसी से नहीं हुआ। जैसे हम कहते हैं कि सहाबा का दौर गोल्डन दौर था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, फिर वो ऐसा ऐसा दूसरे खुलफाए राशिदीन से आगे चलता आया। तो इसी तरह सियासत में पाकिस्तान का जो जनरल जियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का दौर है वो गोल्डन दौर है। उस दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तरक्की भी हुई, और पाकिस्तान की तरक्की के साथ साथ इस्लाम का दिफा और मुसलमानों का दिफा, जहाँ जहाँ भी इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती थी जनरल जियाउल हक साहब वहाँ जो है वो सामने आते थे, और वो एक निडर किस्म के जनरल थे, और इसी वजह से यही वजह है कि वो उनका जो दौर था वो गोल्डन दौर था। नाज़रीन, तो आपने लोगों से तासुरात जाने जिनके मुताबिक जनरल जियाउल हक शहीद का दौरे हुकूमत इस्लामाइजेशन के हवाले से एक सुनहरी दौर था, मईशत के हवाले से एक सुनहरी दौर था, और वो लोग जिन्होंने जनरल जियाउल हक के दौर को देखा है या उसके बारे में पढ़ा है वो ये ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त फिर एक ऐसे दौर की ज़रूरत है जिसमें जनरल जियाउल हक की पॉलिसियों को आगे बढ़ाया जा सके। आपका जनरल जियाउल हक के दौरे हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।